अहम खबर आपको दें, स्टील मिल्स मुलाजमीन का हुकूमती फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने मुलाजमीन की दरख्वास्त की फौरी समाअत की सदा मंजूर कर ली है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का जो फैसला किया गया है स्टील मिल को प्राइवेट करने के हवाले से और मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड के जरिए जो बरकरार करने का मामला था उसको 9,350 मुलाजमीन ने सिंध हाई कोर्ट ने इस फैसले को चैलेंज किया है। उसके खिलाफ जो सीनियर कानूनदान है रशीद रिजवी साहब, उनकी जो खिदमात हासिल की गई है और सिंध हाई कोर्ट ने मुलाजमीन की दरखास्त की फौरी समाअत की सदा मंजूर कर ली है और पीर को जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में दो रुकनी बेंच जो है इन तमाम मुलाजमीन की दरखास्त की समाअत करेगा। दरखास्त में बहुत शुक्रिया तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए। अहम खबर आपको दें, स्टील मिल्स मुलाजमीन का हुकूमती फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने मुलाजमीन की दरख्वास्त की फौरी समाअत की सदा मंजूर कर ली है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का जो फैसला किया गया है स्टील मिल को प्राइवेट करने के हवाले से और मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड के जरिए जो बरकरार करने का मामला था उसको 9,350 मुलाजमीन ने सिंध हाई कोर्ट ने इस फैसले को चैलेंज किया है। उसके खिलाफ जो सीनियर कानूनदान है रशीद रिजवी साहब, उनकी जो खिदमात हासिल की गई है और सिंध हाई कोर्ट ने मुलाजमीन की दरखास्त की फौरी समाअत की सदा मंजूर कर ली है और पीर को जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में दो रुकनी बेंच जो है इन तमाम मुलाजमीन की दरखास्त की समाअत करेगा। दरखास्त में बहुत शुक्रिया तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए। अहम खबर आपको दें, स्टील मिल्स मुलाजमीन का हुकूमती फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने मुलाजमीन की दरख्वास्त की फौरी समाअत की सदा मंजूर कर ली है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का जो फैसला किया गया है स्टील मिल को प्राइवेट करने के हवाले से और मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड के जरिए जो बरकरार करने का मामला था उसको 9,350 मुलाजमीन ने सिंध हाई कोर्ट ने इस फैसले को चैलेंज किया है। उसके खिलाफ जो सीनियर कानूनदान है रशीद रिजवी साहब, उनकी जो खिदमात हासिल की गई है और सिंध हाई कोर्ट ने मुलाजमीन की दरखास्त की फौरी समाअत की सदा मंजूर कर ली है और पीर को जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में दो रुकनी बेंच जो है इन तमाम मुलाजमीन की दरखास्त की समाअत करेगा। दरखास्त में बहुत शुक्रिया तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए। अहम खबर आपको दें, स्टील मिल्स मुलाजमीन का हुकूमती फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने मुलाजमीन की दरख्वास्त की फौरी समाअत की सदा मंजूर कर ली है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का जो फैसला किया गया है स्टील मिल को प्राइवेट करने के हवाले से और मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड के जरिए जो बरकरार करने का मामला था उसको 9,350 मुलाजमीन ने सिंध हाई कोर्ट ने इस फैसले को चैलेंज किया है। उसके खिलाफ जो सीनियर कानूनदान है रशीद रिजवी साहब, उनकी जो खिदमात हासिल की गई है और सिंध हाई कोर्ट ने मुलाजमीन की दरखास्त की फौरी समाअत की सदा मंजूर कर ली है और पीर को जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में दो रुकनी बेंच जो है इन तमाम मुलाजमीन की दरखास्त की समाअत करेगा। दरखास्त में बहुत शुक्रिया तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए।